अब हम आज एक दूसरी मेडिसिन के साथ आए हैं यहाँ पे डिस्कशन करने. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फ्रॉम द थर्ड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज द ब्रोमियम. ब्रोमियम इज द मेडिसिन विच कॉमनली नोन एज द ब्रोमीन. And the chemical formula of this medicine is the BR, capital B and small r. And this is the medicine belonging to the halogen group and coming from the mineral kingdom. This medicine basically having a background of all of its all complaints in psora and psychosis. ये दोनों psora और psychosis miasm जो है सारी medicine इसकी सारी complaints के background में मिलेंगे आपको देखने को. And the temperament is the nervous and tubercular temperaments. The patient is very much chilly and having a tendency to catch cold very easily. There are lots of symptoms which belong to the throat and the respiratory symptoms. That's very much important medicine for the respiratory complaints, you know. And especially in the children's. The children's who having a scrofulous tendency and the person having a tendency to of adenopathies and the person who having a very fair complexion, light complexion and blonde hairs and the blue eyes, delicate skin. इससे सारे लोगों पर मेडिसिन बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है. उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन है. चिली पेशेंट्स अपन ने देखा, साइकोसिस एंड सोरा इसका बैकग्राउंड में है. इस मेडिसिन को सबसे पहले अप्रूव किया था हेरिंग ने. इसको हम देखेंगे. अच्छा, दूसरी चीज़ हम इसमें खास तौर से देखेंगे, सारी कंप्लेंट्स आर रियली हैविंग टेंडेंसी टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम द बीइंग हीटेड. जब बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ऐसी स्थिति में ये कंप्लेंट्स इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं. अंडर सन यानी सन की डायरेक्ट हीट में अगर आदमी पहुंच जाए तो परेशानी इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है. वार्म रूम में अगर जाए तो इसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं. ये हम इसमें खास चीज़ देखेंगे कि चिली पेशेंट होने के बावजूद गर्मी से इसे कुछ ज़्यादा परेशानी भी है. ये कुछ कंट्राडिक्टरी सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे किसमें, ब्रोमियम में. अब हम देखते हैं वो एरियाज जहाँ पे मेडिसिन का बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज जो जहाँ पे मेडिसिन इफेक्ट करती है, जैसे कि हम देखेंगे माइंड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, GIT है, स्किन पे भी इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा. मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है. और कुछ और जो खास जगह है, जैसे कि आप देखेंगे कि स्टमक पे भी इसके कुछ खास सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली दिस मेडिसिन इफेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, है ना. इस चीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा. और ग्लैंड्स जैसे कि खासतौर से थायराइड ग्लैंड्स, इस पर भी इसका बहुत अच्छा सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है ना. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द माइंड. व्हाट द माइंड ऑफ ब्रोमियम सेज. द माइंड सिंपली सेज दैट पर्सन इज वेरी मच अप्रेंसिव, एंग्शियस, anguish, severe, really painful condition he is having, and anguishness is there. There is apprehensive conditions, means the fearful, kuch डर भयभीत भी रहता है, डरा हुआ भी रहता है, सशंकित भी रहता है, सस्पिशियसनेस. ये दोनों चीज़ मिलके हम अप्रेंसिव बोल सकते हैं उसे. एंग्शियस रहेगा अपना. देर इज़ अ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहेगा. किसी भी चीज़ को काम करने में मन नहीं लगेगा, हमेशा निराशावादी, घोर निराशावादी, डरा हुआ एक बंदा जिसे हम कहेंगे. हमेशा उसको एक डिल्यूशन की कंडीशंस भी रहेगी. ही फील्स दैट समवन इज जस्ट बिहाइंड हिम, उसको ऐसा लगा कोई उसके पीछे खड़ा हुआ. समवन इज जस्ट लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों पे से कोई पीछे झांक रहा है तो बार बार पीछे मुड़ के देखेगा. ऐसे उसके बार बार देखने की आदत रहेगी, एकदम पीछे की ओर झांक के देखना. ये उसको डिल्यूशंस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी. फिर देखेगा एब्सेंट माइंडेस, खासतौर से ऐसा रहेगा कि किसी भी, जैसे आप अचानक से उसके पास एकदम देखेंगे, वो कमरे में अकेला बैठा हुआ है, एकदम कमरे में घुसेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक शून्य में ताक रहा है, निहार रहा है, चुपचाप बैठा है, शांत बैठा हुआ है, वो देख रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा. ही डजंट वांट टू वर्क, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटीज, बट ही इज जस्ट लुकिंग इन अ कॉर्नर विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी ओरिएंटेशन. बट देर इज ए फैंटेसीज ऑल्सो, बहुत ज़्यादा फैंसी थाट्स भी उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहते हैं. इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आप उसमें देख पाएंगे. फिर इसके साथ ही बैड ह्यूमर पर्सन रहेगा, क्वारलसम रहेगा, झगड़ालू रहेगा. बैड ह्यूमर जिसे अपन कहते हैं कि उसका जो उसका बदमिजाज जिसे अपन कहते हैं, पूरे दिमाग वाला बैड ह्यूमर पर्सन, और क्वारलसम रहेगा, बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म का रहेगा. विथ लैक ऑफ आइडियाज़ एंड लॉस ऑफ आइडियाज़, देर इज़ नो आइडियाज़ एट ऑल. अपन इसे लैक ऑफ आइडिया भी कह सकते हैं और लॉस ऑफ आइडिया भी बोल सकते हैं. कोई नए आइडियाज़ उसके अंदर डेवलप नहीं होते हैं ना.
और साथ ही एक और चीज़ देखना पड़ेगी, एक्सट्रीम वीकनेस, एमिसिएटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा थका हुआ पर्सन, एंड डजंट वांट टू वर्क एनीथिंग, हर काम को टालने की कोशिश करता है, कोई भी काम नहीं करना चाहता है। ये कंडीशन हमें किस में देखने को मिलेंगी, सारी कंडीशन हमें ब्रोमम में देखने को मिलेंगी। अब हम इसके कुछ हेड के सिम्टम्स देख लेते हैं। हेड के सिम्टम क्या बोलते हैं, हेड के सिम्टम में आप खास चीज़ देखेंगे सीवियर हेडेक एंड माइग्रेन। माइग्रेन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो भी कहाँ, लेफ्ट साइडेड माइग्रेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये माइग्रेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी कब, जब सूर्य की रोशनी में, जैसे अभी मेरे ऊपर सूरज की धूप आ रही है, थोड़ी सी रोशनी आ रही है, इन दिस कंडीशन द लेफ्ट साइडेड हेडेक बिकम वर्स, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो लेफ्ट साइडेड माइग्रेन विच बिकम वर्स अंडर द हीट ऑफ सन, विच बिकम वर्स आफ्टर कंज्यूमिंग द मिल्क, means after drinking the milk, when this headache, when this left-sided migraine become worse, when he is walking very fastly in rapid motion, under rapid motion, means he needs the one and only medicine, that is the bromium. तो ये जो हेडेक है, खासतौर से माइग्रेन है, लेफ्ट साइडेड माइग्रेन, वो कब बढ़ जाए, जबकि वो सूरज की रोशनी के अंदर हो, या वो गर्म कमरे में अचानक आता है उस समय उसको बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर ऐसी स्थिति हो जबकि वो दूध वगैरह पिए उसके बाद सर दर्द बढ़ जाए, या फिर वो बहुत तेज़ी से चल रहा हो, टहल रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, उस समय अगर लेफ्ट साइडेड हेडेक, लेफ्ट साइडेड माइग्रेन अगर वर्स हो जाता है, तो उस कंडीशन के लिए ब्रोमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, मान सकते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि ऑफ शोर कंप्लेंट्स इसकी बढ़ जाती है, जब समुद्र के पास जाता है तो इसकी समस्या जो है वो कम हो जाती है, खासतौर से सेलर्स में देखा जाता है, ऐसे लोग जो कि समुद्र से संबंधित काम करते हैं, फिशरमैन होते हैं या सेलर्स होते हैं या फेरीमैन्स होते हैं, जो समुद्र ही काम करते हैं, समुद्री नाविक होते हैं, जब समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, तो उनकी ये कंप्लेंट कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में या इनलैंड आते हैं या लैंड पर आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, तो उनकी समस्याएँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में ब्रोमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है डिजीनेस ऑफ हेड, स्पेशली व्हेन क्रॉसिंग द वाटर स्ट्रीम, जब वाटर स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा हो, पानी की किसी धार को क्रॉस कर रहा हो, या उसके आर पार जा रहा हो, या उसके ऊपर से गुजर रहा हो, नदी के ऊपर से गुजर रहा हो, तब अचानक चक्कर आ जाना, डिजीनेस हो जाना, फेंटिंग सेंसेशन दिमाग में होना, इसके लिए ब्रोमियम बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अब हम इसके नोज के सिम्टम्स देख लेते हैं। नोज के सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन है, लेकिन एक खास चीज़ देखना, अभी हम देख रहे थे लेफ्ट साइडेड हेडेक या माइग्रेन, वहीं नोज के सिम्टम्स जब हम देखेंगे तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, राइट साइडेड स्टॉपेज ऑफ नॉस्ट्रल्स, राइट साइड की नाक बंद हो जाती है, जबकि माइग्रेन जो मिलेगा वो लेफ्ट साइड मिलेगा, नोज स्टॉप होगी राइट साइड की। इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखना, सीवियर कोराइजा, बर्निंग, स्मार्टिंग सेंसेशन, टिकलिंग सेंसेशन एट द नॉस्ट्रल्स, पूरे टाइम नॉस्ट्रल्स को खुजाता रहेगा, कॉब वेब सेंसेशन इन नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल में कॉब वेब सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा जैसे मक्खी का जाला है, बार बार ऐसे पहुँचने की कोशिश करेगा। दिस कंडीशन इज स्पेशली बिलोंगिंग टू द ब्रोमम, ब्रोमम में इस चीज़ को ध्यान रखना, स्मार्टिंग सेंसेशन, सोरनेस, पूरी नाक में सोरनेस, और साथ ही प्रेशर एट द रूट ऑफ द नोज, जहाँ पे मेरा चश्मा लैंड कर रहा है, स्टे कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, उस जगह पे इसको रूट ऑफ द नोज कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारीपन या प्रेशर, दबाव जैसा उसको लगातार बना रहेगा, ये ब्रोमियम की खासियत आप देख पाएंगे, ठीक। एक और चीज़ इसमें जो खास तौर से देखने को मिलती है, वहाँ में देखने को मिलती है एपिस्टेक्सिस, इसमें खास तौर से मॉर्निंग आवर्स में, या फिर एपिस्टेक्सिस के साथ ही एक और खास चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलेगी कि एपिस्टेक्सिस ऑलवेज रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ द चेस्ट, पेन या प्रेशर या रेस्टलेसनेस जो चेस्ट में डेवलप होगी वो एपिस्टेक्सिस से इसकी खत्म हो जाती है। फैन लाइक मूवमेंट ऑफ नॉस्ट्रल्स, ये नॉस्ट्रल्स के फैन लाइक मूवमेंट आप देख पाएंगे, इसे कहते हैं फैन लाइक मूवमेंट ऑफ नॉस्ट्रल्स, पूरी नाक इस तरीके से होती रहेगी, नॉस्ट्रल्स ऐसे, ये फैन लाइक मूवमेंट नॉस्ट्रल्स के देखने को मिलेंगे, ये पूरे पंखे की तरह नॉस्ट्रल्स हर सांस के साथ ऐसे ऐसे फूलते जाएंगे, इसे हम कहेंगे फैन लाइक मूवमेंट ऑफ नॉस्ट्रल्स। ये आप सामान्य से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और जैसे हम कहेंगे कि सिग्नेचर सिम्टम है लाइकोपोडियम का, लेकिन ये हमें ब्रोमियम में भी देखने को मिलता है कोराइजा के साथ, फैन लाइक मूवमेंट ऑफ द नॉस्ट्रल जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट ब्रीदिंग, इस चीज़ को याद।
नॉस्ट्रिल्स के बाद, नोज के बाद अपन इसमें जो सिम्टम्स देखते हैं वो सिम्टम देखेंगे अपन थ्रोट के। थ्रोट सिम्टम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। थ्रोट सिम्टम ऑफ क्रोमियम, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सारे प्रकार के इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको टॉन्सिल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, हार्ड इंड्यूरेटेड टॉन्सिल्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिलाइटिस, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलेगा। टॉन्सिलाइटिस के साथ पूरा थ्रोट डीप रेड देखने को मिलेगा, जिसे हम कहेंगे कि हाइपरमिक कंडीशंस ऑफ लोकल एरिया, वो आपको देखने को मिलेगी। फिर देखने को मिलेगा लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेरिंजल डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया तो होगा लेकिन लेरिंजल डिफ्थीरिया होगा, जहाँ पे कि जो मेम्ब्रेन है डिफ्थीरिक मेम्ब्रेन वो डेवलप होना शुरू होगी लेरिंग्स पे और अपवर्ड जो है इसका फॉर्मेशन होगा। इट फॉर्म्स एंड डेवलप्स अपवर्ड्स, स्टार्ट फ्रॉम लेरिंग्स एंड डेवलप अपवर्ड, ये चीज़ को खासतौर से याद रखना है। लेरिंजियल डिफ्थीरिया आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो थ्रोट के सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लेरिंजाइटिस देखने को मिलेगी, फेरिंजाइटिस देखने को मिलेगी आपको, आपको इसमें लेरिंजियल डिफ्थीरिया देखने को मिलेगा, सीवियर सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, आपको पूरे थ्रोट में कॉन्स्ट्रिक्शन का सेंस देखने को मिलेगा, और डिफ़िकल्ट आपको इसमें काफ़ी इंस्पायरेशन देखने को मिलेगा, और साथ ही स्टिचिंग पेन एंड अपन एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट बोलेंगे, जो स्टिचिंग इन थ्रोट, पूरे थ्रोट में स्टिचिंग पेन देखने को मिलेगा, टिकलिंग सेंसेशन इन ट्रेकिया, स्पेशली व्हेन इंस्पायरिंग द एयर इनसाइड, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपको इसमें स्टिचिंग पेन देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही क्रूप कफ भी देखने को मिलेगा। तो ये अगर अपन देखेंगे इसमें कि थ्रोट के सिम्टम्स जो भी होंगे, चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे आपका आपका ये फेरिंजाइटिस हो, चाहे लेरिंजाइटिस हो, ये सारे सिम्टम्स कब होंगे, फ्रॉम ओवरहीटेड बॉडी, जब बॉडी बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड हो जाएगी उसके बाद ही कंप्लेंट्स डेवलप होंगी, फ्रॉम ओवरहीटेड बॉडी, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन एक और चीज़, थ्रोट के सिम्टम्स खासतौर से राइट साइडेड ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइडेड ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेफ्ट साइडेड जो है टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा पेन होना, नोज में राइट साइड था, बाकी सब जगह मेडिसिन लेफ्ट साइड वर्क करती है, एक्सेप्ट द स्टॉपेज ऑफ नोज वेयर इट वर्क्स ऑन द राइट साइड, इट स्टॉप्स द राइट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, वाइल इन एवरी अदर एरियाज ऑफ द बॉडी इट वर्क्स ऑन द लेफ्ट साइड, इस चीज़ को हमें खास। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। रेस्पिरेटरी सिम्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राई कफ, सीवियरली ड्राई कफ विथ हॉर्सनेस, बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस रहेगी, ड्राई कफ रहेगा, कूप रहेगा, वूपिंग कफ रहेगा, वूपिंग परसिस्टेंट कफ, स्पेशली 10-10 दिन तक वूपिंग परसिस्टेंट कफ बना रहता है, खासतौर से कफ आफ्टर फीवर्स, जब भी कोई फीवर्स हो, फीवर्स की कंडीशन हो, जब वो ठीक हो जाए उसके बाद होने वाला कफ कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक बना रहता हो, जो वूपिंग कफ हो, ऐसी स्थिति में ब्रोमियम बहुत अच्छा वर्क करती है। बर्निंग पेन, सीवियर बर्निंग पेन बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की ओर बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होना, स्पास्मोडिंग कफ होना, साथ ही साथ जो है ना स्पास्मोडिंग कफ के साथ रेटलिंग म्यूकस बहुत ज़्यादा होना, खड़खड़ाती हुई, हर बार खांसी के साथ खड़खड़ाहट वाली जो है रेटलिंग म्यूकस जो है, जिसे हम कहेंगे उसकी आवाज़ आना, रेटलिंग की नॉइस आना, ऐसी म्यूकस बहुत ज़्यादा अंदर भरी रहे, खास तौर से ये सारी कंप्लेंट्स एग्रवेट हों जबकि हम वार्म रूम में एंटर करें, जैसे ही वो वार्म रूम में एंटर करेगा उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी। अस्थमेटिक कंडीशन विद डिफ़िकल्ट इंस्पायरेशन, खास तौर से ये जो डिफ़िकल्ट इंस्पायरेशन है और इंस्पायरेशन सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, और उसके कारण ट्रेकिया में सीवियर इरिटेशन होता है, जिसके कारण क्रूपिंग कफ जो है वो डेवलप हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना। अस्थमा ऑफ सेलर्स खासतौर से वो लोगों का अस्थमा जो कि नाव वगैरह से यात्रा करते हो, या नाव पे जिनका काम रहता हो, फेरी मैन रहते हैं या नेवी मैन रहते हैं जो कि हमेशा समुद्र की यात्रा करते रहते हैं, तो जैसे ही वो समुद्र की ओर जाते हैं तो उनकी कंप्लेंट जो है अस्थमा ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र छोड़ के धरती पे आते हैं उनकी अस्थमेटिक समस्या बढ़ जाती है, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। इंस्पायरेशन, खासतौर से इस चीज़ को याद रखना, इंस्पायरेशन में डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा रहती है, इस चीज़ को याद रखना। पूरी ब्रोंकियल ट्यूब्स को ऐसा लगता है एज दे आर फिल्ड विद द स्मोक, उनको ऐसा सेंसेशन होता है, ऐसी एस्थमेटिक कंडीशन जिसमें उनको ऐसा लगता है कि ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है वो स्मोक से, धुएं से बुरी तरीके से भर गई हैं, इस चीज को ध्यान रखना। फिर स्पास्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेकिया, ये भी चीज आप देख पाएंगे, स्पास्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ
ट्रेकिया का स्पास्मोटिक कॉन्स्ट्रिक्शन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। लेरिंजियल डिफ्थीरिया हमने आपको बताया था रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है खासकर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट के लिए, वहाँ पे जहाँ पे कि ड्राई कफ हो, जहाँ पे हॉसनेस बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे क्रूपी कफ हो, जहाँ पे वूफिंग कफ हो, खास तौर से ऐसी स्थिति हो जबकि बुखार ठीक हुआ हो उसके बाद रहने वाला कफ जो कई कई दिनों तक परसिस्टेंट कफ हो, वूफिंग कफ हो, ऐसी स्थिति में ब्रोमियम बहुत अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है। ऐसा कफ जिसमें कि म्यूकस जो है रेटलिंग म्यूकस हो उसमें भी बहुत अच्छा ब्रोमियम काम करती है। अस्थमेटिक कंडीशन, ऐसी अस्थमेटिक कंडीशन जो कि सेलर्स का अस्थमा हो, जहाँ पे नाभिकों का अस्थमा हो, जो कि समुद्र की ओर जाने पर अस्थमा ठीक हो जाता हो लेकिन जैसे ही समुद्र छोड़ के ज़मीन की ओर आते हैं तो हमें अस्थमेटिक कंडीशन बढ़ जाती है। ऐसी सेंसेशन जहाँ पे ऐसा उसे लगे जैसे ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है धुएँ से भर गई हों, स्मोक से भर गई हों, ऐसी स्थिति में जो है ब्रोमियम काम करती है। ऐसी अगर हम इसके कार्डियक सिम्टम देखें तो कार्डियक सिम्टम में एक ही सिम्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ कार्डियक हाइपरट्रॉफी। कार्डियक हाइपरट्रॉफी स्पेशली ऑन द पर्सन हु रेगुलरली प्रैक्टिस द जिमनास्टिक, जो कि जिमनास्ट हों या जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं एथलीट्स जो हों, इन लोगों में हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट अगर देखने को मिलेगा तो हम ब्रोमियम का इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अब हम इसके बाद देखते हैं इसके स्टमक के सिम्टम्स। स्टमक के सिम्टम्स क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे सिम्टम हैं स्टमक के, बहुत कम है, जैसे कि शार्प बर्निंग पेन फ्रॉम टंग टू स्टमक, पूरे टंग से यहाँ से स्टमक तक पूरा शार्प बर्निंग पेन रहेगा, बहुत ज़्यादा तीखा सा जलन वाला दर्द आप इसमें देखेंगे। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे सीवियर प्रेशर इन द स्टमक, जस्ट एज इफ लाइक स्टोन, जैसे कि कोई पत्थर स्टमक में रख दिया गया, इस तरीके का दर्द आपको देखने को मिलेगा, गैस्ट्रल्जिया देखने को मिलेगा, पेन इन स्टमक स्पेशली व्हेन इट एग्रावेट्स आफ्टर ईटिंग, जब वो कुछ खाएगा उसके बाद उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो बढ़ जाता है। ये ऐसी कंडीशंस में हमें बहुत ज़्यादा ब्रोमियम की याद आनी चाहिए। ब्रोमियम इज़ वेरी मच सूटेबल मेडिसिन फॉर सच टाइप ऑफ कंडीशन, स्पेशली द गैस्ट्रल्जिया व्हेन इट एग्रावेट्स आफ्टर ईटिंग एंड द एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्पेशली द टिम्पेनिक डिस्टेंशन, इन दैट कंडीशन इट इज़ वेरी मच सूटेबल रेमेडी। मीन्स जब भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का बहुत ज़्यादा फूल जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड कंडीशन हो जाएगी, उस कंडीशंस में ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हम मान सकते हैं। इसके स्टूल सिम्टम्स देखें, स्टूल इज़ वेरी मच दैट देर इज सम ओनली वन सिम्टम दैट इज़ द हेमोराइडल कंडीशन। अगर आप देखें कि हेमोराइड्स देखने को मिलेंगे विथ मलीना और द ब्लैकिश स्टूल, जिसमें ब्लड आएगा लेकिन ब्लैकिश ब्लड रहेगा, मलीना विथ हेमोराइड्स, इसमें हम इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स देख पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके जेनाइटल सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले मेल जेनाइटल्स में देखते हैं तो ऑर्काइटिस इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रेमेडीज, वेरी मच इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स, इंड्यूरेटेड टेस्टिकल, हार्ड टेस्टिकल्स, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन हम इसे मान सकते हैं। और पेनफुल कंडीशन जो होगी जो ऑर्काइटिस में या हार्ड इंड्यूरेटेड टेस्टिकल में पेनफुल कंडीशन होगी वो जार से या झगड़े से या इस बहसबाजी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका फीमेल सिम्टम्स देखते हैं तो वो ओवरिन सिम्टम्स देखेंगे तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज या ओवराइटिस जिसे कहेंगे, ये दोनों कंडीशन लेफ्ट साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाहे वो मेल्स में ऑर्काइटिस हो तो लेफ्ट साइडेड या फीमेल्स में ओवराइटिस हो तो वो लेफ्ट साइडेड ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओवेरियन सिस्ट इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द ओवेरियन सिस्ट एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज स्पेशली ऑफ लेफ्ट साइड। फिर हम देखेंगे इसमें मेंस्ट्रुएशन देखेंगे, टू अर्ली बहुत जल्दी होने वाला मेंस्ट्रुएशन, एवरी 15-20-22 डेज में होने वाला मेंस्ट्रुएशन, वेरी मच प्रोफ्यूज एंड मेम्ब्रेनस ब्लैकिश मेंस्ट्रुएशन जो होगा वो ब्रोमियम का स्पेशल सिम्टम है जिसे हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ खास चीज़ें को देखते हैं जो कि ब्रेस्ट सिम्टम्स देखेंगे तो ट्यूमर, हमने शुरू में देखा था इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ द ट्यूमर्स, तो ब्रेस्ट ट्यूमर्स स्पेशली ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट ब्रेस्ट ट्यूमर्स जो होगा उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। When the pain is radiates from breast to the axilla, breast से axilla तक जो है दर्द जो है extend करता है, so ये इस conditions में बहुत important medicine हम इसको देखते हैं। breast tumors के लिए बहुत अच्छी medicine है और ख़ास तौर से हम देखेंगे left sided breast tumors, और जब भी pressure होगा तो ये दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे कि एक और बहुत अच्छा symptom जो है जो मैं बताना चाहूँगा इसमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा इसका कि
फीमेल ऑलवेज बिकम वेरी मच लो स्पिरिटेड एंड डिप्रेस्ड बिफोर एवरी मेंस्ट्रुएशन. हर एक मेंस्ट्रुएशन से पहले वो बहुत ज़्यादा लो स्पिरिटेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी, सुस्त और उदास हो जाएगी, किसी भी काम को करने में उसकी इच्छा नहीं होगी, थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एमेशिएटेड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना. इसके बाद हम देखते हैं इसके सिम्टम्स, स्लीप से पहले हम स्किन देख लेते हैं. स्किन सिम्टम्स देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होना, पस्चुलर इरप्शंस होना, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. पस्चुलर इरप्शंस हो जाएंगे, जगह जगह ऐसे फुंसियाँ जिसमें पीव भरी हो, मवाद भर जाए, ऐसे इरप्शंस हो जाना, पिंपल्स और एक्नीस का बहुत ज़्यादा होना, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. जगह जगह इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स देखने को मिलने का, जैसे कि कहेंगे ग्लैंड्स में स्टोनी हार्डनेस जब देखने को मिले, ऐसी कंडीशन में ब्रोमियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है. वो भी खासतौर से तब जबकि ये सारी ग्लैंड्स की स्टोनी हार्डनेस लोअर जा के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिले, तब ब्रोमियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन हम कह सकते हैं. इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्लीप. स्लीप में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जैसे कि ड्रीम फुल स्लीप, फुल ऑफ ड्रीम्स. स्लीप इज ऑलवेज फुल ऑफ ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा सपनों से भरी हुई और बेचैनी भरी, एंग्विश, बहुत ज़्यादा चिंता और परेशानियों से भरी हुई, पेनफुल नींद जिसे हम कहेंगे, इस तरीके की नींद आएगी. और फिर अपन दूसरी चीज़ देखेंगे इसमें इल्यूशंस, इल्यूसिव बहुत ज़्यादा फुल ऑफ यानी थिंकिंग जो रहेगी वो उसकी नींद को डिस्टर्ब करेगी. वेरी डिफ़िकल्ट टू स्लीप बिफोर मिडनाइट या अनटिल मिडनाइट जो है उसकी नींद जो है बड़ी मुश्किल होती है, आसानी से नहीं लगती है, बड़ी मुश्किल में लगने वाली नींद होती है. वेरी डिफ़िकल्ट स्लीप अनटिल मिडनाइट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्रोमियम. एंड जर्किंग एंड स्टारिंग ड्यूरिंग स्लीप, ये भी एक इंपॉर्टेंट है. पूरी नींद के समय एकदम से जर्क आना, ऐसे ऐसे झटके आना, ये जो जर्किंग सिम्टम्स है ये जो है नींद के दौरान आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपन कहेंगे कि सिम्टम है. दूसरी चीज़ देखेंगे कि पेशेंट फील्स एक्सट्रीमली वीक एंड टायर्ड ऑन राइजिंग. जब वो नींद से सो के उठेगा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी अपने आप को महसूस करेगा और बहुत ज़्यादा थका हुआ भी महसूस करता है, क्योंकि अनरिफ्रेशिंग स्लीप होती है, क्योंकि वो सो नहीं पाता है, उसकी नींद जो है डिलेड होती है, सो नहीं पाता है, थक जाता है. क्यों थक जाता है? क्योंकि स्लीप इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट्स विच आर फुल ऑफ फैंटेसीज एंड इल्यूशंस. बहुत ज़्यादा अपने मन में कल्पनाएं करता रहेगा जिसके कारण उसकी नींद जो है वो डिलेड हो जाती है और बड़ी मुश्किल से लगती है. ऐसी कंडीशंस में हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़फुल पाते हैं, ठीक है ना. इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मॉडलिटीज़ अगर आप देखेंगे तो सारी कंप्लेंट इसकी जो है शाम को बढ़ती हैं, अनटिल मिडनाइट, शाम से लेकर आधी रात तक इसकी सारी समस्याएं जो है वो बढ़ जाती हैं. इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. और फिर गर्म कमरे में इसकी समस्या बढ़ जाती हैं, सूरज की गर्मी के नीचे, धूप के नीचे इसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, है ना. रैपिड मोशन से बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर से हेडेक, रैपिड मोशन से इसका हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. डैम्प वार्म वेदर में इसकी समस्या बढ़ जाती है, गर्म और उमस भरा अगर मौसम हो तो इसकी समस्या बढ़ जाती है. फिर दूसरी समस्या इसकी बढ़ती है लेटने पर, खासतौर से जब अगर वो लेफ्ट करवट से लेटेगा तो इसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं. फिर हम देखते हैं इसकी समस्या कब आराम लगता है. इसकी समस्या को आराम लगता है एक्सरसाइज से या फिजिकल एक्सर्शन से. थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत चलेगा फिरेगा काम करेगा तो उसे बेहतर लगने लगता है. इसको बेहतर एक और चीज़ से लगता है जैसे कि समुद्र की ओर जाने पर. जब वो समुद्र की ओर जाता है तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, समुद्र में जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब समुद्र से बाहर आता है इसकी समस्याएँ जो है वो बढ़ जाती हैं. ये इसकी कंप्लेंट्स जो है बढ़ जाती हैं. अब हम जल्दी से इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं पूरी मेडिसिन. तो क्विक रिव्यू हम लोग देखते हैं. सबसे पहले कि मेडिसिन का नाम है ब्रोमाम, ब्रोमीन इसका कॉमन नेम है, और इसका साइकोटिक और सोरा इसका बैकग्राउंड है. इसके सारी कंप्लेंट का दोनों मियाज़म मिलेंगे. चिली पेशेंट है, नर्वस ट्यूबरकुलस कंडीशन है, और स्क्रोफ्लस लोग जो हैं, स्क्रोफ्लस चिल्ड्रन जो हैं, ऐसे लोग जो कि डेलिकेट स्किन वाले हैं, फेयर स्किन वाले हैं, जिनकी आइज थोड़ी ब्लू हैं, ब्लॉन्ड हैं, लाइट हेयर कलर लोग हैं, और जो थके हुए एमिशिएटेड लोग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्ट करने वाली मेडिसिन है.
इसके मेंटल कंडीशन में हमने देखा था बहुत ज़्यादा एंग्शियस बंदा मिलेगा, एंग्विश रहेगा, अप्रेंसिव रहेगा, है ना, और एब्सेंट माइंडेड भी थोड़ा सा, ये अपन ने देखा था। लेफ्ट साइडेड वर्क करने वाली मेडिसिन है, ये भी हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट साइडेड मेडिसिन जो है वो वर्क करती है, और इसकी अधिकतर कंप्लेंट कब डेवलप होती है, जब बॉडी ओवर हीटेड हो जाए, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान, उस स्थिति में होने वाली सारी कंप्लेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। सारी कंप्लेंट इसकी लेफ्ट साइडेड है, देखें, सिर्फ राइट साइडेड कंप्लेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो नॉज की कंप्लेंट जो होंगी वो हमारी राइट साइडेड होंगी। फिर टेंडेंसी देखेंगे इसकी, खास तौर से टेंडेंसी टू इन्फिल्ट्रेट ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड्स को इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ग्लैंड्स को इंड्यूरेशन और स्वेलिंग और हाइपरट्रॉफी ऑफ ग्लैंड्स, इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानते हैं। दे बिकम्स स्टोनी हार्ड एंड बट रेयरली सुपुरेट्स, बहुत ही कम ऐसी स्थिति होती है जबकि वो सुपुरेट हो जाए, अदरवाइज ये हाइपरट्रॉफिड होके हार्ड हो के रह जाती हैं। ये कंडीशन हमने देखी थी। फिर हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी थी इस मेडिसिन के बारे में, वो ये थी कि सारी ट्यूमरस ग्रोथ हैं जो ग्लैंडुलर इफेक्शन है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। सो मैनी ट्यूमर्स हैं, कैंसरस कंडीशन हैं जैसे कि, और या फिर मम्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल्स है, या गॉइटर है, इस पर बहुत अच्छा इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है, या ब्रेस्ट ट्यूमर्स हैं, या ओवेरियन सिस्ट हैं, इन पर बहुत अच्छा करने वर्क करने वाली मेडिसिन आप देख पाएंगे। जितने भी हार्डनेस ऑफ ग्लैंड्स जस्ट स्पेशली एट द लोअर जॉ, यहाँ पे बहुत अच्छा हम इसका इफेक्ट देख पाते हैं। फिर ब्रेस्ट ट्यूमर्स पे भी बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, स्पेशली जबकि वो लेफ्ट साइडेड हों तब इसके कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफीज, इंड्यूरेशन एंड एमिसिएशन वाली कंडीशन जो भी देखने को मिलेंगी उसमें इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। तो ये क्लिनिकल एरियाज है जहां पे मेडिसिन वर्क करती है। कौन कौन से एरियाज, जैसे कि इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूमर्स लाइक मम्स, टॉन्सिल्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल्स, गॉइटर्स, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, ओवेरियन ट्यूमर्स, स्पेशली फीमेल्स सिम्टम्स में देखें तो टू अर्ली टू प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन एंड मेम्ब्रेनस मेंस्ट्रुएशन, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, और मेल्स में देखेंगे तो ऑर्काइटिस, या फिर इंड्यूरेशन ऑफ टेस्टिकल्स, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली वर्क करने वाली मेडिसिन है। अस्थमेटिक कंडीशन, अस्थमा स्पेशली ऑफ द सेलर्स एंड द सीमेंस, उनका हम देखेंगे अस्थमा बहुत अच्छा इस पर इफेक्ट करती है। ब्रोमम और फिर ग्लैंडुलर इफेक्शंस पे बहुत अच्छा इफेक्ट करने वाली मेडिसिन हमने देखी। थ्रोट कंप्लेंट्स जितनी भी है, हॉर्सनेस ऑफ थ्रोट्स, लैरिंग्स में बहुत अच्छा इफेक्ट है, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस और डिफ्थीरिया की कंडीशन, स्पेशली द लैरिंजियल डिफ्थीरिया, ऐसी कंडीशन है बहुत अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन हम इसे मानते हैं। तो हमने आज हमने देखा किसके बारे में पढ़ा, ब्रोमम के बारे में पढ़ा। तो ब्रोमम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्लैंडुलर अफेक्शन, इसको खासतौर से ध्यान रखना। एंड कंप्लेंट्स यूजली वैन एग्रावेट्स एंड वैन ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ ओवर हीटेड बॉडी, उस स्थिति में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो कल फिर हम एक दूसरी मेडिसिन के साथ आप हम लोग डिस्कस करने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।